तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस बैग पे यहाँ पे थ्रेडिंग कैसे करें इस विद द हेल्प ऑफ दिस वूल। और ये बेबी कोल मैंने लिया है, इसलिए इसमें देखो कि ये एस एच है, एम आर नहीं लिया है क्योंकि वो नॉर्मल होता है। मेरे पास एम आर भी है पर मैंने वो नहीं यूज़ किया, वो नॉर्मल होता है। पर एक हमको ब्रेक चाहिए तो इस पर हम बाइंडिंग करेंगे जिससे इसका हैंडल और मजबूत हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके भेजो कि अगला वीडियो किस पर आपको चाहिए, बैट की बाइंडिंग पर या फिर टो गार्ड पर या फिर इसके फेस टेप पर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको क्या करना है, एक वो लेना है, इसको यहाँ पे आपको एक नॉट लगा लेना, सिंपल नॉट। मैंने नॉट लगा लिया, अब हम यहाँ पे इसको बाइंडिंग करना स्टार्ट करें। यहाँ पर देख रहे हैं ये, यहाँ मैंने नॉट लगाने के बाद इसको बाइंडिंग कर दिया। देख रहे हैं बाइंडिंग कर ये, आपको लाइन बाई लाइन ही बाइंडिंग करनी क्योंकि अगर एक भी लाइन बिगड़ गई ना तो भाई ये बहुत गंदा लगता है बैग, गंदा हद से ज़्यादा गंदा लगेगा। तो लाइन बाई लाइन, और एक ट्रिक जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना जो देखो कि अगर ट्रिक जाननी है कैसे आप इस बैग को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो तो वीडियो को तो लास्ट तक देखना ही पड़ेगा क्योंकि वो ट्रिक बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि उससे ये धागा, अगर ये धागा आप लगा रहे हो तो उसके बिना ये धागा आपको कोई काम नहीं देगा उस ट्रिक के बिना। तो अभी यहाँ मैंने ये बाइंडिंग कर लिया, आप जितना चाहो उतना चौड़ा कर सकते हो। यहाँ पे मुझे छोटा वीडियो बनाना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा करते दिखाना। यहाँ तो मैंने कर लिया, मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो आपको क्या करना है कि एक धागा का टुकड़ा आपको काट लेना है, जैसे कि आप देख रहे हो ये मैंने इतना धागे का टुकड़ा काट लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसे लूप बनाऊंगा इसका, ये लाइक दिस। आप देख रहे हो इसके दोनों एंड सीधा है, ये एक लूप सामने बनाइए और आपको इसको यहाँ पर रख देना है। आप देख रहे हो ये यहाँ पर मैंने इसको लूप को रख दिया और इस धागे को इस पर आप दोबारा से बाइंडिंग करते हैं। अब हम इस धागे को बाइंडिंग कर रहे हैं, धागा में हम बाइंडिंग करते रहेंगे और बीच बीच में आपको क्या करना है, इसको बहुत तेज से खींच लेना है। भाई भाई कस के नहीं खींचा ना तो ये बेकार हो जाएगा, आपको एकदम तेज तेज से खींचते रहना है इसको। ये थोड़ा आपको टाइट करना पड़ेगा, रख दे सब थोड़ा टाइट इसको रखें तो ये आपका धागा ज़्यादा दिन तक रुकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको टाइट करेंगे, यहाँ से टाइट करें, मैंने थोड़ा सा बाइंडिंग करा है। अब हम क्या करेंगे, आपको सिंपल इस धागे को जैसे कि मैं एक राउंड और इस बार कर देता हूँ फिर मैं बोला था। तो अब आपको इस धागे को ऐसे यहाँ से काट लें, यहाँ से आप काटेंगे। तो मैं इसको यहाँ से काट ले रहा हूँ, ये कट गया, ये कट गया। अब आपको क्या करना है, इस जो लास्ट एंड है इसको इस लूप में जो होल सा बना ना, इस लूप में आप देख रहे होंगे, इस लूप में इस पर पुट कर देना है ऐसे करके, और ये पुट करने के बाद ऐसे निकाल देना लाइक दिस, ऐसे निकाल दो और इसका ये नीचे का एंड पकड़ के इसको खींचो लाइक दिस, खींचा। अब आप क्या देख रहे हो कि ये धागा यहाँ निकल आया। भाई साहब यही ट्रिक है, भाई यही ट्रिक है। अगर इस नॉट, ये एक प्रोफेशनल नॉट है जो बैट के कंपनीज में यूज होती है, आप इसको काट देंगे। अब आप देख रहे हो बैट कितना फ्रेश लग रहा है, कोई नॉट नहीं दिख रही, मतलब कोई नॉट ही नहीं, मतलब लोग कहेंगे बिना नॉट के कैसे करा, आप वैसे नॉर्मल सिंपल नॉट लगाते खुल जाती है। तो सबसे अच्छी सिंपल नॉट है, यही ट्रिक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको फेविकोल लेना है, आपको थोड़ा सा फेविकोल लेना है, या आप कितना बड़ा लगाएंगे आप उसे फेविकोल ले सकते हैं। आपको फेविकोल लेना है और इस पर ऐसे 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 हल्का कर सकते हैं, ऐसे पूरा लगा के ये देखो मैंने लगा दिया अच्छे से, हाँ ये देखो मैंने लगा दिया अच्छे से फेविकोल। तो अब आप फेविकोल इस पर लगा देंगे और लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको धूप में कम से कम एक दिन के लिए सुखाना पड़ेगा। अगर आप इसको धूप में नहीं सुखाओगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा, तो आप इसको धूप में सुखाओ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरी वीडियो ये बाइंडिंग का और स्ट्रिक के बारे में, जो मैंने आपको बहुत ही ईजिली बता दी है, कोई आपको नहीं बताता है। आप बड़े बड़े वीडियोस में देखते हो कि तो फास्ट फास्ट होता है, पता नहीं चलता भाई क्या कर दिया, तो ये ट्रिक बहुत सिंपल है, मैंने जल्दी आपको बता दिया। तो अगर आपने वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और एक बात फ्रेंड्स कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए।